आज हम वॉलंटियर लिक्विडेशन प्रोसेस करेंगे, विच इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन. वॉलंटियर लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017. सो सेज विदाउट द प्रेजुडाइज टू सेक्शन 59 सबसेक्शन 2, लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन शैल मीट फॉलोइंग कंडीशंस. एक डिक्लेरेशन चाहिए आपको बाय द डिजिग्नेटेड पार्टनर, एंड दैट डिक्लेरेशन शैल बी फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द गवर्नमेंट बॉडी इन केस ऑफ अदर कॉर्पोरेट पर्सन. सो यू नीड अ डिक्लेरेशन. यहाँ पर मैं बहुत जस्ट में आपको करवा रहा हूँ. डिक्लेरेशन के साथ यू हैव टू गिव अ एफी डेविट, डिक्लेरेशन प्लस एफी डेविट, एंड डिक्लेरेशन शैल बी बाय मेजॉरिटी. मेजॉरिटी एफिडेविट आपने डिक्लेरेशन है, जो एफिडेविट में आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एफिडेविट में आप ये मेंशन करोगे इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग इन फ्रॉडलेंट मैनर, एंड सेकंड द इंक्वायरी हैज़ बीन मेड इनटू द कंपनी अफेयर, दे आर नो डेट ड्यू, और इवन इफ दे हैव दे वुड बी एबल टू पे फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द एसेट्स सोल्ड इन लिक्विडेशन. टू स्टेटमेंट यहाँ पे आप एफिडेविट के साथ प्रूफ करोगे. इसके साथ साथ यू नीड टू सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में जो आपको चाहिए, पहला चाहिए वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट. इसके साथ यू हैव टू हैव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू ईयर्स एंड सॉरी फॉर टू ईयर्स previous or for the period from incorporation, whichever is later of the two. Everything done. Now 4 weeks from the declaration filed above therein. So 4 weeks यहाँ से आप count करना. 4 weeks के बाद आपको क्या करना है, resolution pass कराना है. रेजोल्यूशन आप पास कराओगे, और रेजोल्यूशन होगा एसआर का. एसआर रेजोल्यूशन पास कराने के बाद यू हैव टू, एसआर में एक तो लिक्विडेशन अप्रूवल चाहिए, दूसरा लिक्विडेटर अप्रूवल भी चाहिए. एक आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चाहिए जो एक्ट एज अ लिक्विडेटर करेगा वाइल द प्रोसेसिंग ऑफ लिक्विडेशन. उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन में यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग विच शुड शैल मेंशन दैट इट इज़ रिक्वायरिंग द कॉर्पोरेट पर्सन टू बी लिक्विडेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और ऑफ इट्स ड्यूरेशन. या तो लिक्विडेशन वॉलंटरी हो रहा है, इट्स जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनी इवेंट और एनी टाइम विच इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वाइल द फॉर्मेशन ऑफ सच. कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में हमने पहले ही मैंशन कर दिया था कि कंपनी फर्म इस पर्पज के आने के बाद या इतने टाइम के अंदर लिक्विडेट हो जाएगी. इसके अलावा अगर आप किसी को, इफ़ यू एनी ओ एनी डेट टू एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग टू थर्ड इन वैल्यू ऑफ द डेट, यहाँ से रेजोल्यूशन पास कराने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इफ़ एनी डेट ओन, सो जहाँ पे डेट ओन और आउटस्टैंडिंग है 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर शैल अप्रूव द रेजोल्यूशन. अच्छा, जहाँ पे दो सिचुएशन है, डेट ओ है डेट ओ नहीं है. डेट अगर ओ है तो ओ होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू इंटीमेट टू इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एज वेल एज आरओसी. इफ दैट इज नॉट द केस देन रेजोल्यूशन से 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अप्रूवल लेने की बजाय यहीं से आपको इन दोनों को इंटीमेट करना है. सो 7 डेज अगर यहाँ से आप काउंट करोगे तब जब आपको क्रेडिटर का अप्रूवल लेना है, और 7 डेज आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे जब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए. यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गो एट. सो 7 डेज अगर मैं टोटल करूँ, इन केस अगर मेरे पास डेट है तो इट विल टेक 14 डेज के अंदर अंदर मुझे सारे काम निपटाने, और अगर मुझे क्रेडिटर अप्रूवल नहीं चाहिए तो विद इन 7 डेज के अंदर मेरा सबमिशन हो जाएंगे. टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन पास होने के बाद से ही हम मान लेंगे लिक्विडेशन प्रोसेस कमेंस हो चुका है. टॉकिंग अबाउट फर्दर
लिक्विडेशन का, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट। अब जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, इट शैल बी एलिजिबल, शैल बी इंडिपेंडेंट, शैल नॉट बी, सो दिस इज आओ, शैल नॉट बी अपॉइंटेड इफ नॉट एलिजिबल, रेजोल्यूशन पास अंडर रेगुलेशन 3 और सेक्शन 59 शैल कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेमरेशन पेबल। सो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, रेजोल्यूशन में हैव टू मेंशन TNC एंड रेमरेशन विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। उसके बाद एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ये होगी दैट सच पर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉरपोरेट पर्सन, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लिक्विडेशन की प्रोसीड्स 6 महीने के अंदर अंदर जहाँ से आएंगी वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। साथ ही साथ प्रोसीड में यू कैन एडजस्ट द कॉस्ट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट किसकी? लिक्विडेशन करने की। देन ऑन द अप्रूवल ऑफ कॉरपोरेट पर्सन, अगर कोई ऐसा एसेट है विच कैन नॉट बी रेडीली और एट वॉन्ट अप्रोप्रिएटली सोल्ड ड्यू टू द प्रिक्यूरियर नेचर, इन दैट सिनारियो you have to take the approval for the corporate person to distribute such. Now talking about the completion of liquidation, liquidation shall be completed in 12 months from the date of passing of the resolution. So liquidation commence date jahan se humne SR pass kara hai. Moving further, agar 12 mahine se zyada lagte hai to 12 mahine ki expiry ke andar andar, so after expiry of 12 months, within 15 days you have to have a meeting of contributories of the corporate person, and जितने 12 महीने plus होते जाएंगे उतनी बार आपको meeting करनी पड़ेगी till the date it is resolved. So this was your voluntary liquidation process. Thank you and all the best. And stay tuned. Directors general meeting and corporate restructuring valuation insolvency will be uploaded very soon. I am about to upload almost 7 to 10 videos by the end of the by the midnight I guess by the midnight. It's end of the day already anyway. Thank you so much, study hard and all the best.